गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3। स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग, मींस रीग्रुपिंग के साथ दो अंकों की संख्याओं का जोड़। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सेकंड में हमने विदाउट रीग्रुपिंग टू डिजिट के नंबर्स को ऐड किया था, बट आज हम रीग्रुपिंग के साथ टू डिजिट के नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी ऐड करना सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एड 85 एंड 67, यानी इस सम में हमें टू नंबर्स 85 एंड 67 को ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें नंबर्स को करेक्ट कॉलम में राइट करना होता है, यानी पहले हमें जो वंस के प्लेस के डिजिट है उन्हें वंस के कॉलम में राइट करना होता है, जो टेंस के प्लेस के डिजिट है उन्हें टेंस के कॉलम में राइट करना होता है। आइए अब हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वंस के कॉलम से। तो बच्चों, वंस के कॉलम में कौन कौन से डिजिट्स हैं? 5 एंड 7। 5 + 7 इज इक्वल टू होते हैं 12। तो बच्चों, 12 में 2 है वंस और 1 है टेंस। तो बच्चों, 2 को हम वंस के कॉलम में राइट करेंगे, बिकॉज 2 वंस हैं, तो इसलिए हम 2 को वंस के कॉलम में राइट करेंगे। और जो 110 है उसे टेंस के कॉलम में ऊपर कैरी लगा देंगे। अब हम टेंस के प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करेंगे। तो टेंस के प्लेस के डिजिट्स कौन कौन से हैं? 8 एंड 6। बच्चों, हमें इस कैरी को भी टेंस के डिजिट्स में ऐड करना है। 1 + 8 इज इक्वल टू होता है 9 एंड 9 + 6 इज इक्वल टू होता है 15। स्टूडेंट्स, अभी हमने टेंस के डिजिट्स को ऐड किया था। तो बच्चों, 15 में 5 है टेंस और 1 है 100। तो बच्चों, 5 टेंस को हम टेंस के कॉलम में राइट करेंगे और 100 को 100 में के कॉलम में ऊपर कैरी लगा देंगे। देखो बच्चों, अब 100 के कॉलम में और कोई डिजिट नहीं है, तो ये जो 1 कैरी है इसे हम यहाँ राइट करेंगे। तो बच्चों, 85 एंड 67 को ऐड करने पर क्या आंसर आएगा? 152। देखो बच्चों, जो हमने ये अलग से ग्रुप बना के इन्हें अलग अलग कॉलम्स में राइट किया, इन्हें ही रीग्रुपिंग कहा जाता है। बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3। सम फर्स्ट इज ऐड। ए पार्ट में हमें टू नंबर्स 59 एंड 61 को ऐड करना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम में ऑलरेडी नंबर्स को कॉलम्स में राइट किया गया है, अब हम इन्हें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वन से। तो वंस के प्लेस के डिजिट कौन कौन से हैं? 9 एंड 1। 9 + 1 इज इक्वल टू होता है 10। देखो बच्चों, 10 में 0 वंस है और 1 10 है। तो बच्चों, 0 वंस को हम वंस के कॉलम में राइट करेंगे और 1 टेंस को हम टेंस के कॉलम में ऊपर कैरी लगा देंगे। अब हम टेंस के डिजिट्स को ऐड करेंगे और 1 कैरी भी टेंस के कॉलम में है, तो इसलिए हम 1 को भी इन टेंस के डिजिट्स में ऐड करेंगे। 1 + 5 इज इक्वल टू होता है 6 एंड 6 + 6 इज इक्वल टू होता है 12। देखो बच्चों, 12 में 2 टेंस है और 100 है, तो 2 टेंस को हम टेंस के कॉलम में राइट करेंगे और 100 को हम 100 के कॉलम में ऊपर कैरी लगा देंगे। देखो बच्चों, 100 के कॉलम में 1 कैरी के अलावा और कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ 1 का 1 राइट कर देंगे। 59 एंड 61 को ऐड करने पर क्या आंसर आएगा? 120। स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने फर्स्ट सम के बी एंड सी पार्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, टुडेज योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 3। सम फर्स्ट सॉल्व इन योर मैथ्स बुक एंड रिवाइज। थैंक यू।